आई गाईज़ वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सो so, टाइम हो चुका है बेंगलोर निकलने का काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया डेली में कल का और अपने अपने घरों में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने माउंट डैड के साथ और इस बार का स्टे काफ़ी लंबा भी था बट हाँ मच नीडिड था काफ़ी टाइम हो गया था बेंगलोर में विदाउट अ ब्रेक वी वर्क फॉर सो लॉन्ग सो यही टाइम था कि थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मिलकर वी कैन स्पेंड अ गुड टाइम अब टाइम है वापस बैंगलोर निकलने का सो so, अभी हम ट्रेन में हैं और रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स हमने आपके लिए रिकॉर्ड करी हैं सो दैट यू कैन सी द ट्रेन जर्नी बिकॉज हम में से कई लोग हैं जिन्होंने ट्रेन जर्नी इतना लंबा नहीं सफ़र किया होगा या इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया होगा ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं फ़्लाइट से जाना सो so हमने स्पेशली आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर रिकॉर्ड करी हैं सो दैट आप भी थोड़ा सा देख सकें वो फील ले सकें कि ट्रेन में सीनिक ब्यूटी कितनी सुंदर दिखती है हमारे जो बीच में हमारा मदर नेचर है उसका जो रियल व्यू है दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ ट्रेन सो ट्रेन जर्नी इज़ ऑलवेज अमेजिंग हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है पहुँचने में अपनी डेस्टिनेशन बट अगर आपके पास टाइम है आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप ट्रेन जर्नी एक बार ज़रूर करिए सो दैट यू कैन सी द रल नेचर विच इज़ अनसीन हमारे सिटी लाइफ में सो so, आउटस्कर्ट से जब ट्रेन निकलती है ये आपके खेत हो गए दिस फील्स हिल्स और ग्रीनरी ये सब आपको एक ट्रेन जर्नी में ही पॉसिबली मिल सकता है देखने को सो so, हमने थोड़ी से चीज़ें आपके लिए कवर करी हैं कि आप जहाँ पे भी बैठे हो, अगर आप नहीं भी गए हो, तो आप ये रील्स देखकर ये वीडियो देखकर, यू कैन फील दैट वाइब कितना सुंदर मौसम होता है बाहर कितना अच्छा दिखता है बाकी गाइज बैंगलोर पहुँच के हमारी दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ शुरू होने वाली है वही अपना मॉर्निंग से नाइट ऑफिस हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स सो विल बी बैक बट हाँ बैटरी चार्ज है बिकॉज एक मच नीडिड जो ब्रेक था वो हमें अपने अपने घर जाकर मिल चुका है अपने पेरेंट्स के साथ हमने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है सो नाउ वी आर रेडी एंड गिवड अप टू स्टार्ट आवर नॉर्मल लाइफ इन बैंगलुरु बाकी बेंगलुरु भी बहुत मिस किया हमने बिकॉज एक तो वन मंथ से हमारा घर बंद था और कहीं ना कहीं इस सिटी में अब दिल लग गया है स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा था प्रॉब्लम के एकदम से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लीव योर होम एंड कम टू अ डिफरेंट सिटी वेर यू हैव नेवर बीन टू बट हाँ धीरे धीरे इस सिटी में लोगों ने अपनाया सिटी ने अपनाया और अब ऐसा लगता है जैसे हाँ ये दूसरा घर है जहाँ पे अब मन करता है बहुत रहने का सो वो वन मंथ हमने घर छोड़ा तो था बट हमारा मन कहीं ना कहीं यहीं पे था सो so, एक थोड़ा सा दुख है कि हाँ पेरेंट्स को छोड़ के फिर से जाना पड़ रहा है बट खुशी भी है कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं जहाँ से हमारी चीज़ें दोबारा से एक नॉर्मली शुरू होंगी सो so, गाइज अब नॉर्मल ब्लॉग्स दोबारा से आएंगे एक एक करके जितना हो सकता है हम कवर करेंगे चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए आई नो बीच में काफ़ी गैप्स हो गए थे अप एंड डाउन ब्लॉग्स चल रहे थे बट वो ज़रूरी भी था बिकॉज कई बार क्या होता है ना आपको एक फ़ैमिली टाइम की भी ज़रूरत होती है तो कई बार दिल से भी एक आवाज़ आती है कि नहीं आज रहने देते हैं लेट्स स्पेंड सम गुड टाइम विथ फैमिली तो हमने वही किया जब जब हमें लगा कि हाँ पेरेंट्स के साथ बैठ कर बात करनी चाहिए उनको थोड़ी सी चीज़ें अपनी लाइफ की बतानी चाहिए तब हमने व्लॉग्स कवर नहीं किए हम बैठे अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे की टेक केयर करी और हमने सोचा कि व्लॉग्स उस टाइम पे जरूरी नहीं है इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया बट हाँ सिंस वी आर नाउ बैक टू बैंगलोर होने वाले हैं जल्दी से पहुँचने वाले हैं तब हम एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आपको व्लॉग्स दिखाएंगे बट येस थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस एंड आवर यूट्यूब फैमिली आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमें नहीं पता था हम इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगे अब जब मैं इस बार अपने फैमिली गया स्नेहा इस बार अपने फैमिली में जब गई तो वहाँ के हमारे नेबर्स ने यही बात बोली कि बेटा प्लीज़ कीप अपलोडिंग दीडियोज़ बिकॉज वी रियली फील दैट यू आर नियर आस हमें वो डिस्टेंस महसूस नहीं होता और ये सुनना ही बहुत बड़ी बात है जब लोग आपको कहते हैं कि हाँ वीडियो अपलोड करो एक इनक्रेजमेंट मिलती है एक हैप्पीनेस मिलती है कई बार क्या होता है ना आप व्लॉगिंग करते हो बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि सामने वाला रिएक्शन क्या दे या आपके जो नॉन लोग हैं वो आपको किस तरीके से देखेंगे एक रिएक्शन की हंगर होती है तो जब वो पॉजिटिव मिल जाता है सामने से तो ऑब्वियसली आपको एक डबल इंक्रेजमेंट मिल जाती है और फिर नई व्लॉग्स बनाने की एक हिम्मत आ जाती है सो गाइस पर्ल ने भी बहुत मस्ती करी आपने इस व्लॉग में इस क्लिप में देखना उसने मेरी बॉटल ले ली थी सिपर और पूरे ट्रेन में शी मेट एवरी सब यही सोच और पूरे कंपार्टमेंट में मतलब कितने हंड्रेड प्लस लोग होंगे सबके पास पर्सनली जाके सबको हाय बोलना एंड पीपल वर वेरी 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 हैप्पी टू सी हर बिकॉज पर्ल में है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर शी इज़ वेरी हम्बल ग्राउंडेड और अभी तो बच्चों को नहीं पता है बट स्टिल हमें क्वालिटी पर्ल की बहुत अच्छी लगती है वो सबके पास पर्सनली जाती है सबको हाई हेलो करती है एंड शी इज़ अ गर्ल हु विन्स हार्ट हमने अपने बच्चे में ये देखा है वो सबके पास जाके चाहे वो अननोन हो सबको हाय कहना और शायद ये फैमिली ट्रेट्स रहे हैं शायद ये हमारा जो नेचर रहा है अपने लोगों से बना के रखने का वो शायद हमारे बच्चे में भी है और पर्ल को बहुत प्यार करते हैं सब एंड वी नो जो भी व्लॉग्स देखते हैं मेन रीज़न हमारे व्लॉगिंग का पर्ल ही है जो इतना सक्सेस है सो आई फील प्राउड कि हाँ मेरी बेटी हमारे व्लॉग का पार्ट है एंड बिकॉज ऑफ हर ओनली वी आर ग्रोइंग सो गुड और वैसे भी प्लान्स यही हैं कि कल को थोड़ा सा पर्ल बड़ी हो जाती है तो वी विल गिफ्ट और वी विल गिव दिस चैनल टू पर्ल सो दैट शी कैन रिज्यूम इट इन हर ओन वे पर तब तक जब तक हमारे पास है तब तक हम अपने तरीके से चलाएंगे बट विल कीप ऑन शोइंग पर्ल विद ऑल द थिंग्स एंड आई थिंक इससे बढ़िया कोई गिफ्ट हो भी नहीं सकता है कि पर्ल विल भी एबल टू सी हर चाइल्ड हुड एंड माई पेरेंट्स विल बी एबल टू सी देर टाइम ताकि ये सब चीज़ें एक स्टोर्ड रहें सो so, इस क्लिप में आप देखिएगा हम सिकंदराबाद जंक्शन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट नाइट हो गई थी ये सिकंदराबाद जंक्शन के बाद एक सिटी लाइफ स्टार्ट होने का साइन है सो so, अभी मॉर्निंग में हम पहुंच जाएंगे 5:20 का है अराइवल जहाँ तक मैंने देखा है कि इसका डिले uh, चल रहा था बट येस हेयर वी आर इन द मॉर्निंग इट्स सिक्स ओ हमारा टाइम से ट्रेन पहुंच चुकी है अब हम बैंगलोर एंटर कर चुके हैं यू कैन सी द ब्यूटिफुल बैंगलोर